हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी कौन सी स्तुति है जिससे आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? ऐसी कौन सी पूजा है जिससे आप अति प्रसन्न जल्दी होती हैं? मां, जिस स्तुति के द्वारा लोग आपको अपना बना लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऐसी कौन सी स्तुति है मां? कृपा करके आप ये हमें बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा हो। मां अति प्रसन्न हो गई और कहा, स्तुतियां तो मेरी बहुत हैं, लेकिन जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली हूं, हे देवताओं, वो मेरी एक बड़ी अद्भुत स्तुति है, स्तुति है, और वो बड़ी गोपनीय है, सबको बताने के लायक भी नहीं है। तब देवताओं ने कहा, हे दयामयी मां, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कितनी भी दुर्लभ हो और कितनी भी गोपनीय हो, हे मां, हमें अपना दास समझकर वह स्तुति बता दीजिए जिससे आप अति प्रसन्न होती हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तब मां की आंख में आंसू आ गए, मां तो खुश हो गई, आप नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं, मां के लाडले भक्त हैं, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, तो ये बात सुन लीजिए। और आज सुबह जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इसकी एक वीडियो बना करके भी विस्तार पूर्वक डाली है, यहां उतना विस्तार से ना बता पाऊं, तो है वीडियो, आप एक बार जरूर सुन लीजिएगा, बहुत विस्तार पूर्वक डाली है, आज ही अभी थोड़ी देर पहले उसको सेंड किया है, जैसे ही टाइम मिले कथा के बाद भी सुन लेना। ऐसा क्या किया जाता है जिससे मां बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है? तो देवताओं की यह बात सुनकर मां ने खुद अपने मुंह से कहा कि मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्न करने वाली स्तुति है, तो वह मेरे 32 नामों की नामावली है, वो मेरे 32 नाम है। मां बोली, दुर्गा सप्तशती में ये 32 नाम है जिनकी जिक्र स्वयं मां करती है, कहती है मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करती है, ये खुद मां बोल रही है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी मुझे प्रसन्न करने वाली कोई दूसरी स्तुति नहीं है। आज हमारी गौशाला में दुर्गा दुर्गर्थ समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गा शादिनी, दुर्गनाशिनी, सुनिए 32 नाम सुनिए, दुर्गा दुर्गर्थ समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गा शादिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गा निहंत्री, दुर्गमापः, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गा दैत्यलोक दमानलः, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमातस्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमा श्रुता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ज्ञान भाषिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमा सुरसंहंत्री, दुर्गमायुध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गवा, दुर्गधारिणी, नामावलि ममामि अस्तु, दुर्गाया मम मानवा, पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशया। ये मानेगा, ये संस्कृत में नाम सुना दिए हैं, हिंदी में दुर्गा दुर्गदशमनी, दुर्गपद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनियंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदाह, दुर्गदत्त दवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमा श्रुता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमा, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमा सुसंगत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमाता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा और दुर्गभामा, दुर्गमा और दुर्गधारिणी, ये मां के अद्भुत नाम है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो रहा हो, शत्रुओं से घिर गया है, या झूठे केस जिसके ऊपर लग गए हैं, मां उनको उबार देती है। इन नामों का उच्चारण करना भयानक संकट से भी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को छुटकारा मिल जाता है। यदि राजा क्रोधवश बिना गलती किए हुए और अन्याय के वशीभूत होकर राजा दंड देता है, तो यह नाम लेकर के प्रजा उस दंड से बच जाती है। कोई शत्रु में घिर गया है, जो लोग फौज में हैं, मिलिट्री में हैं, सड़क पर बहुत ज्यादा चलते हैं, एकदम बाहरी रहते हैं, बिजली का काम करते हैं, अग्नि इत्यादि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पुल आदि का निर्माण है, बहुत ध्यान से सुनिए, जल इत्यादि
कुछ वो ऐसे ही जिनके लिए खतरों से जिंदगी भरी हुई कम नहीं है, ऐसे लोगों को तो 32 नाम माता जी के नित्य लेने चाहिए। यूं तो सबको ही लेने चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी मैंने नाम अभी आपको लिए, डाइवर्स लोग हैं, पानी में, अग्नि में, हवाई जहाज विमान उड़ाते हैं, और भी ऐसे तमाम, उनके लिए मुझे लगता है कि इस धरती पर, इस महाप्रकृति में मां पराम्बा के 32 नाम किसी वरदान से कम नहीं। हम लोग सड़क पर बहुत ज्यादा चलते हैं, चलो अभी तो 7 महीने से हैं यहाँ, बहुत ज्यादा घूमना घामना होता है, कभी सड़क पर, कभी रेल में, कभी वायुयान में, कभी पानी के जहाज में, कभी कहीं। खैर, हमारी तो माँ के प्रति अपार श्रद्धा है। 32 नाम नित्य 365 दिन अपने कल्चर में आ गया, पूजा में जुड़ गए 32 नाम। इन 32 नामों की महिमा महात्मा मार्कंडेय ने अपने मुख से की है। आगे आने वाले समय में आप मार्कंडेय पुराण भी सुनेंगे, अद्भुत सुनेंगे। उस ग्रंथ में मां की बहुत बड़ी महिमा, जो दुर्गा सप्तशती है ना, वो मार्कंडेय पुराण से ही निकली है। दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कील के सब मार्कंडेय पुराण से ही निकले हैं। बहुत विस्तार पूर्वक उसमें वर्णन है। इससे पहली नवरात्रा में, अषाढ़ की नवरात्रा में आप क्या सुन रहे थे? अषाढ़ की नवरात्रा में आपने सुना